हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप इस तरीके से बनाएंगे ना मैंगो फ्रूटी, आप इसे एक साल तक स्टोर करके भी पी सकते हैं। चलिए मैंगो फ्रूटी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने लिया है 3 आम, ये पके हुए आम है। इसके अच्छे से हम छिलके निकाल देंगे। देखिए आम के छिलके हम निकाल देंगे। बिना रेशा वाला आम है, अगर रेशे वाला आम लेंगे तो वो फ्रूटी अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से इसके छिलके पहले निकाल देंगे। आम हमने छील लिया, अब इसके पल्प हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रूटी बनाना बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से घर पे फ्रूटी बना सकते हैं, बहुत ही सस्ता पड़ेगा। देखिए आम के पल्प हमने निकाल दिया। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसमें हम आम ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे 5 चम्मच, आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे। अब इसे 5 मिनट तक हम पकाएंगे कि आम है ना ये और भी सॉफ्ट हो जाए। देखिए 5 मिनट हो गया है, गैस हम बंद कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। आम के पल्प ठंडे हो गए हैं, अब हम छन्नी लेंगे, इसमें हम डालेंगे। आम के पल्प सारे इसमें आ गए हैं। देखिए अब हम आम को मिक्सी के जार में ऐड करेंगे। अब ये जो आम का पानी है इसे फेंकना नहीं है, इसे भी हम यूज करेंगे। और ये बिल्कुल ये ठंडा हो गया, अब हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। जब आम एकदम ठंडा हो जाए फिर ही इसका पेस्ट बनाना है, अगर गर्म बनाएंगे फिर जलने का भी डर रहता है। इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए आम एकदम बारीक, हमने आम का पेस्ट तैयार कर लिया, एकदम बारीक है, इसमें बिल्कुल रेशा नहीं है। हम उबाला था उसका बचा हुआ पानी है ना, हम इसमें ऐड कर देंगे, ये बिल्कुल ये ठंडा। अब हम ढक्कन लगा के मिक्सी चला लेंगे। तो बन के तैयार हो गया है, अब हम इसी बाउल में ऐड कर देंगे। आप सोच रहे हैं ना कि अगर ये पानी भी इसके साथ में ही पीसना था तो इसे अलग क्यों किए। लेकिन जब पहले इसे आम अच्छे से मिक्सी के जार में डाल के ऐसे पेस्ट बना लेंगे ना, एकदम बारीक पीसा जाएगा। आप इसे अगर स्टोर करना चाहते तो एक बोतल में डाल के इसे 5-6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, फिर ये बिल्कुल ये खराब नहीं होगा। जब आपको पीने का मन करे तो आप इस तरीके से थोड़ा सा मैंगो डाल दीजिए, 1 गिलास के करीब हम ठंडा पानी ऐड कर देंगे, इसे हम चला लेंगे। अब जितना आपको फ्रूटी बनाना हो ना उस हिसाब से आप डाल के इसे ग्लास में बना के पी सकते हैं, बिल्कुल ये वेस्ट नहीं होगा। हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम फ्रूटी बना रहे हैं। जो बाजार में आता है ना 10 रुपए वाला, वो हम फ्रूटी बना रहे हैं, इसलिए हम 1 लीटर के करीब इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे। पानी डाल के अच्छे से इसे घोल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसमें रेशा नहीं है, ये एकदम बढ़िया से पीसा हुआ। अगर रेशे वाली आम हो तो आप उसे चाय पुन्नी की मदद से पहले छान लीजिएगा। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना सस्ता फ्रूटी बन गया ना। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स नहीं रहने देंगे। हमने मिक्स कर दिया, ये देखिए इतना ही हमें पानी डाला, बहुत पतला भी नहीं करना है, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। अगर आपको खट्टा मीठा चाहिए होगा फ्रूटी तो आप इसमें कच्चा आम, जब हमने आम उबाला था ना पका आम, तो आप कच्चा भी आम एक काट के उबाल लीजिएगा। अब इसे ढक के हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे कि ये ठंडा हो जाए, फिर पीने में भी काफी अच्छा लगेगा। देखिए 1 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था, ये देखिए कितना बढ़िया ये मैंगो फ्रूटी बन गया ना, एकदम बाजार जैसा बना है, बहुत ही कम मेहनत में। अब आप इसे ग्लास में डालिए और पीजिए, पीने में भी बहुत ज्यादा स्वाद बना है। बनाना भी इसे बहुत आसान है और इस बाजार से भी सस्ता पड़ता है। ये देखिए कितना बढ़िया ये मैंगो फ्रूटी बन गया ना, पीने में बहुत ज्यादा स्वाद बना है।
आप इस तरीके से झटपट मैंगो फ्रूटी बना सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।